Back to my channel Shriya Hood and happy monsoon to everyone. So आज का जो वीडियो है ये इसमें मैं अलग अलग चीज़ें बताने वाली हूँ. उनमें से कुछ कुछ मानसून से रिलेटेड भी हैं और कुछ कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लोथ्स, बैकपैक, पर्सेस एंड जैसा कि मैंने बताया मानसून से रिलेटेड कुछ स्टफ, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो. सो आई वंडर किससे स्टार्ट करना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैकपैक. सो ये जो फर्स्ट बैकपैक है ऐसा ही सेम, मतलब सिमिलर आपने मेरे पास ऑलरेडी देखा होगा एंड वो है ये. तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको ले लिया. इसके जैसे ही मेरे पास एक है ऑलरेडी जो कि पिंक कलर के साथ मिक्सड है और ये है एक न्यू वाला. सो इसको देखकर मुझे लालच आ गया था लिटरली एंड देन मैंने ये ऑर्डर किया क्योंकि ये बहुत अच्छा है. इसमें डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है और क्वालिटी जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ खोलने के बाद, इसको ओपन करने के बाद तो अच्छी लग रही, क्वालिटी तो अच्छी है. एंड इसमें इसमें टू पॉकेट्स हैं जस्ट, मतलब ये थोड़ा बैग ऐसा है कि इसमें आप थोड़ा लाइट स्टफ रख सकते हो, थोड़ा कम सामान अगर आपको ले जाना है, ज़्यादा बड़ा बैग नहीं ले जाना. सो आप इस टाइप के बैग्स चूज़ कर सकते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए ऑफकोर्स. एंड देन इसमें ये यहाँ पर सामने ये एक पॉकेट है और यहाँ पर भी है जैसा कि रहता ही है मेन पॉकेट. तो ये बैग जो है वो वाटरप्रूफ है एंड इसके अंदर की चेन अगर मैं खोलती हूँ तो ये अंदर से ऐसा दिखता है सिल्वर कलर का. इसमें एक सब पॉकेट भी है और इसके अंदर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो. और अगर आपको इसको ट्यूशन ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. मुझे पता है कि ट्रैवल करने में बड़ा सा बैग चाहिए रहता है लेकिन जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कर रहे हो, अगर आपको इस टाइप का बैग चाहिए तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं स्नैक्स वगैरह रखने के लिए. जैसे हमें ट्रैवल करते समय ज़रूरत पड़ती है ट्रेन वगैरह में, फ्लाइट वगैरह में, राइट? तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं चूज़ करना. और जैसे कि मैंने बताया कि ये वाटरप्रूफ है तो इसमें ना स्टफ़ जो भी आप चीज़ें रखेंगे वो ख़राब नहीं होंगी और अगर गीली वैसे होंगी नहीं, ख़राब ही नहीं होंगी क्योंकि वाटरप्रूफ है. और इसमें अलग अलग फ्रूट्स बने हुए हैं. अगर आप वंडर कर रहे हैं कि कौन सी डिज़ाइन बनी है तो पाइनएप्पल और पता नहीं क्या क्या फ्रूट्स बने हुए हैं इसमें, फ्लावर्स वगैरह, अलग अलग चीज़ें. एंड यहाँ पर लिखा है जेनी. ओके, जीनी, ब्लैक पिंक ऑब्सेस्ड. नो, आई एम नॉट ब्लैक पिंक ऑब्सेस्ड. तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक क्लॉथ वेयर, मतलब पहनने के लिए. और अभी तो बहुत सारे सीजन्स आएंगे जैसे रक्षाबंधन वगैरह और कई लोगों के बर्थडेज भी आते हैं तो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं. सो इस टाइप का ये मैंने लिया है और पर्पल कलर तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, शायद मैं ये से रख लूँ गिफ्ट ना करूँ. तो ये है इसका ये पलाजो पैंट एंड इसके साथ जो मेन है टॉप वो मैं आपको दिखाती हूँ. वाओ, ये मम्मी ने चूज़ किया है इसलिए मैं पहली बार देख रही हूँ उसको, अच्छा लग रहा है मुझे बहुत. एंड ये रहा इसका टॉप. तो इसको तो मैं ज़रूर पहनूंगी, ट्राई तो ज़रूर करके देखूंगी. सो इस ड्रेस को रिलैक्स फिट ड्रेस कहते हैं क्योंकि इसको पहनने के बाद बड़ा रिलैक्सिंग सा फील होता है क्योंकि ज़्यादा टाइट वगैरह नहीं रहती, कंफर्टेबल भी रहती है शायद इसलिए आई गेस. तो ये मुझे काफ़ी ट्रेंडी टाइप का ड्रेस लगा, बड़ा मॉडर्न टाइप का है. एंड इसमें जो सामने है ना एक वी और यू नेक का मिक्स बोल सकते हैं उसे, हाँ दोनों ही कह सकते हैं एक तरह से, दोनों ही है वैसे. ऊपर से यू है फिर नीचे जाते जाते थोड़ा वी नेक हो जाता है. एंड मम्मी ने कलर चूज़ किया क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा फेवरेट कलर है, हालांकि इससे थोड़ा लाइट वाला कलर लेकिन ठीक है. सो इसमें अलग अलग कलर्स अवेलेबल थे लेकिन मैंने ये वाला कलर, मतलब मम्मी ने वाला कलर चूज़ किया है. एंड अगर आप इसको पहनोगे ना, मतलब ऐसे क्राउड वाले प्लेस में या कहीं जा रहे हो मॉल वगैरह या कहीं पर भी घूमने, देन यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. ये बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल भी है, स्टाइलिश कपड़े भी हैं और मुझे कंफर्टेबल और स्टाइलिश कपड़े दोनों एट द सेम टाइम बहुत अच्छे लगते हैं. क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है. तो इसको मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करती हूँ. आप कलर कोई सा भी चूज़ करें वो आपकी चॉइस है.
बट मैं इसको अपनी तरफ से इस ड्रेस को ज़रूर रेकमेंड करती हूँ। सो नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक बहुत ही कम्फी से आउटफिट, जो कि आप यूजुअली एक एज अ कैजुअल आउटफिट मान के ही चलते हैं और उनको पहनते हैं, जैसे कि दिखाई देती हूँ। चलिए, ये है एक ऊपर का टी शर्ट एंड देन नीचे शॉर्ट्स, ये रहे। एंड इनको तो घर पे रहकर भी पहन सकते हैं, और अगर आप बाहर जाते हैं वॉक करने या फिर खेलने के लिए तो फिर आप इनको कंसिडर कर सकते हैं पहनना, या फिर बीच पे जाने के लिए भी आप इनको पहन सकते हैं, जो कि जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो कि बीच पर जाते रहते हैं, तो वो इस टाइप के कपड़े ऑफकोर्स चाहिए रहते हैं समर्स में, या फिर थोड़ा इस टाइप की जगह जाने में या घर पर रहने में, तो मैं तो ऐसे कपड़ों को कंसिडर करती हूँ पहनना। क्वालिटी तो अच्छी आई है एंड इसमें ढेर सारे और भी कलर्स हैं एंड पैटर्न्स भी हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं, लिंक्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अभी अमेज़ॉन की सेल चल रही है फ्रेंड्स, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दी हुई हैं, उनके साथ साथ सेल की भी लिंक दी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मानसून के लिए जो सबसे आइडियल फुटवेयर होने चाहिए, वो हैं ये। एंड ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे फुटवेयर्स, ये प्लास्टिक के नहीं है, ये रबर के हैं एंड इनका कलर बहुत अच्छी और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। अभी मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, मेरी तरफ फ्रेग्रेंस आ रही है एंड मुझे जब मैं देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि प्लास्टिक के होंगे, लेकिन ये रबर के हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत साल तक ये चल सकते हैं और ये बिल्कुल भी मतलब ड्रैग होती ना बार बार सैंडल्स और फिर वो मतलब घिस जाते हैं, तो वो ऐसा इनके साथ नहीं होगा। मैं थोड़े पैर ना डिफरेंट तरीके से रखती हूँ तो वो उन शूज़ का शेप चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से मुझे वैसे ही न्यू फुटवेयर लेने थे और मॉनसून भी आ गया तो मम्मी ने मुझे रेकमेंड किए तो मैंने ही ले लिए। ये बाटा कंपनी के हैं एंड जैसे कि आप जानते हैं कि बाटा कंपनी के फुटवेयर तो अच्छे होते ही हैं, आँख बंद करके लोग ले लेते हैं, सो मैंने भी सेम आँख बंद करके नहीं, मतलब लिटरली मत लेना, लेकिन मैंने भी ले लिए जैसे ही देखे अच्छे लगे। सो आई हाईली 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 रिकमेंड दिस फॉर यू ऑल। नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने पापा के वॉलेट में से पैसे चुराए या फिर वॉलेट ही चुरा ले, बिकॉज नाउ आई हैव माई ओन वॉलेट। पहले भी ऐसा नहीं करती थी, ओके हाँ जोक्स अपार्ट। सो ये मैंने वॉलेट चेक किया था क्योंकि मुझे लेने थे वॉलेट्स, मतलब एक ही लेना था एंड मुझे ये दिख गया जो कि बहुत अच्छा लगा। ब्लैक पिंक कलर का तो कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता ही है, गर्ल ग्रुप की वजह से नहीं, गर्ल ग्रुप तो अच्छा है ही लेकिन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। अब ध्यान से सुनो, इस पर लिखा हुआ है ट्रू ह्यूमन एंड इसमें एक कैट बनी हुई है जिसपे ग्लिटर ग्लिटर सा कुछ बना हुआ है, राइट। तो ये मैंने अंदर से भी चेक किया था क्योंकि इमेजेस थी जिस साइड मतलब अमेजोन पे मैंने देखा था, उसको मैं खोल के बताती हूँ। तो ये रहा अंदर से कैसा दिखता है, मैं बता रही हूँ कि फ़ोन फिक्स करने के लिए इलास्टिक है एंड देन इसके बाद ये कुछ पॉकेट्स, मल्टीपल पॉकेट्स दी हुई हैं जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह तो नहीं होंगे अभी, लेकिन जो भी है फ़ोटोज़ वगैरह वो आप रख सकते हैं। अगर 18 प्लस के कुछ लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप इसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड वगैरह रख सकते हैं। एंड देन इसके पीछे तरफ भी पॉकेट्स दी हुई हैं, ये एक है और इसके पीछे साइड भी है और यहाँ पर भी है कॉइन कंपार्टमेंट जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर एक चेन है, इस चेन में आप कॉइन्स रख सकते हैं एंड यहाँ पर आप अंदर पैसे रख सकते हैं, आई मीन नोट रख सकते हैं। सो इसमें और भी कलर्स एंड पैटर्न्स हैं, मुझे ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो मैंने वो ले लिया, आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें पूरा पिंक वाला भी है एंड आई थिंक वाइट वाला भी था, पूरा ब्लैक वाला भी था, सो वो आप चेक कर सकते हैं। सो हम कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि हम गिफ्ट्स में क्या दें किसी को, तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड जो भी कह लो का बर्थडे है या कुछ अच्छा सा अच्छी सी पार्टी जो भी कह लो, तो उसमें आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है दिस वॉलेट। एंड आप इनको अगर आप इसको रख रहे हो तो आप इसको यहाँ से कैरी कर सकते हो, टूटेगा नहीं है, इसमें लॉक लगा है, ओके। सो ये सब जो मैंने शॉपिंग करी थी वो मानसून के हिसाब से करी और
बाकी मुझे जो चाहिए थी चीज़ें, जो मेरी नेसेसिटीज़ थी, वो मैंने उसके हिसाब से मैंने चेकआउट की चीज़ें और उनको ऑर्डर किया। एंड आई होप कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स और ये सारे जितना भी मैंने सब कुछ दिखाया, वॉलेट वगैरह, वो सब अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या अच्छा लगा और कितना अच्छा लगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड या लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द सेल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल्स फॉर गेटिंग नोटिफाइड फॉर मोर वीडियोज। या ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।